दोस्तों आज मैं फिर वापस आ गया एक और धमाकेदार खबर लेकर शाओमी की तरफ से। शाओमी ने एक ऐसा न्यूज़ अनाउंस किया है जिसे सुनकर आप कुछ बेचैन हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, शाओमी ने ऐसे न्यूज़ को अनाउंस किया है जिसकी वजह से हम लोग जान सकते हैं कि हम लोग के डिवाइस में जो है, अगर आप लोग रेडमी नोट 5 में MIUI 10 के स्टेबल रोम का वेट कर रहे हैं तो आपके डिवाइस में कब आएगा। इस अनाउंसमेंट के बाद से आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग के डिवाइस में वो रेडमी नोट 5 में कब तक MIUI 10 की ग्लोबल स्टेबल रोम मिलेगी। दोस्तों मैं हूँ सरफराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ओनली टॉक। दोस्तों शाओमी ने आज अनाउंस कर दिया है एक न्यूज़, तो मैं उनके फोरम पर जाकर आपको दिखा देता हूँ कि उन्होंने अपने अपडेट को शेड्यूल कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने शाओमी ने अपने अपडेट्स को शेड्यूल कर दिया। जो रेगुलरली हम लोग को अपडेट मिलता था हर एवरी वीक, जो बीटा की अपडेट मिलती थी हम लोग को, उस अपडेट को शेड्यूल कर दिया है। सिर्फ बीटा के अपडेट को शेड्यूल किया, याद रहे दोस्तों, सिर्फ बीटा के अपडेट को शेड्यूल किया है, स्टेबल के अपडेट को शेड्यूल नहीं किया। मैं उनके फोरम पर जाकर आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये MIUI का फोरम है और इस पे साफ साफ लिखा हुआ है MIUI 10 ग्लोबल बीटा रोम अपडेट शेड्यूल फ्रॉम 22 सितंबर टू 7 अक्टूबर। तो यहाँ पे साफ साफ क्लियरली मेंशन किया गया है कि ग्लोबल बीटा रोम को की अपडेट को शेड्यूल किया जा रहा है। यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि उसकी ग्लोबल स्टेबल रोम को शेड्यूल किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों जैसा कि बीटा रोम को शेड्यूल किया जा रहा है, तो शेड्यूल क्यों किया जा रहा है, तो मैं आपको आगे बता देता हूँ कि क्यों शेड्यूल किया गया है, क्यों उसे अपडेट को शेड्यूल किया गया है। तो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो शाओमी की एक चाइनीज कंपनी और अभी चाइना में मिड ऑटम फेस्टिवल चल रहा है, जिसकी वजह से चाइना में जो होता है वो नेशनल हॉलीडे होता है। तो उनके जितने भी डेवलपर्स हैं, जितने भी वर्कर हैं शाओमी के, वो सब हॉलीडे पर रहेंगे। इसलिए शाओमी ने अपने अपडेट को शेड्यूल किया है। तो शेड्यूल कब से कब तक किया है, 22 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक कोई भी अपडेट नहीं आएगी। लेकिन 22 सितंबर से पहले अपडेट आएगी और 7 अक्टूबर के बाद से अपडेट आएगी। तो जैसा कि और भी नीचे क्लियरली मेंशन किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि मिड ऑटम फेस्टिवल एंड नेशनल हॉलीडे की वजह से जो है शाओमी के जो डेवलपर्स हैं वो लीव पर रहेंगे, हॉलीडे पर रहेंगे। इस वजह से जो अपडेट को शेड्यूल किया जा रहा है, जो ये अपडेट है वो कब से स्टार्ट होगी, शेड्यूल में क्या क्या बताया गया, मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों को जैसे हर वीक एवरी वीक थर्सडे या फ्राइडे को जो अपडेट मिलती थी MIUI 10 ग्लोबल बीटा की, तो लास्ट वीक जो हम लोगों को अपडेट मिली थी वो 8.9.13 की थी और इस वीक जो अपडेट मिलेगी वो 8.9.20 की। ये जो अपडेट है ये लास्ट अपडेट है इस वीक के लिए, नेक्स्ट वीक कोई अपडेट नहीं आएगी, 8.9.26 की कोई अपडेट नहीं आएगी। तो जो जो अपडेट आने वाली है उसकी जो लिस्ट है यहाँ पे दी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप एक MIUI 10 ग्लोबल बीटा के यूजर हैं, अगर आपके डिवाइस में 8.9.13 इंस्टॉल है, तो आपको ये अपडेट थर्सडे या फ्राइडे को मिल जाएगी 8.9.20 की। और जो रेडमी 5 के यूजर्स हैं जिनके लिए अपडेट को सस्पेंड कर दिया गया था पिछले 2 वीक से, तो अगर वो लोग 8.8.30 पे है तो उनको भी डायरेक्ट अपडेट मिलेगा 8.9.20 की। अगर वो लोग 8.9.13 पे है तो उनको भी अपडेट मिलेगी 8.9.20 की। और जो दोस्तों जो बीटा यूजर होते हैं, जिनको बीटा की परमिशन मिली होती है शाओमी की तरफ से, उनको एक OTA मिलती है नाइटली बीटा की, क्लोज बीटा रोम की। तो उनके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि MIUI 10 ग्लोबल बीटा रोम 8.10.9 क्लोज बीटा विल बी रिलीज ऑन ओनली फॉर MIUI बीटा टीम। तो जो बीटा टीम है शाओमी के, जो बीटा टीम का मेंबर है, उनको सिर्फ ये अपडेट मिलेगा 8.10.9 की। ये जो अपडेट है ये 9 अक्टूबर को मिलेगी हॉलीडे के बाद से। हॉलीडे से पहले जो अपडेट मिलेगी वो MIUI 10 की ग्लोबल बीटा को मिलेगी और उसके बाद से जो MIUI 10 ग्लोबल बीटा रोम है 8.10.11 विल बी रिलीज ऑन 12 अक्टूबर। तो 12 अक्टूबर आप देख सकते हैं, 12 अक्टूबर आप देख सकते हैं फ्राइडे का रोज है, तो फ्राइडे को नेक्स्ट अपडेट मिलेगी MIUI 10 बीटा की। 8, 9, 20 के बाद से जो दूसरा अपडेट मिलेगा MIUI 10 बीटा की वो 8, 10, 11 की होगी, जो 12 अक्टूबर को रिलीज होगी। हो सकता है कि थर्सडे को रिलीज हो या फिर हो सकता है फ्राइडे को रिलीज हो, लेकिन दोस्तों जो अपडेट है सिर्फ बीटा के अपडेट को रिलीज किया गया। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ बीटा अपडेट को शेड्यूल किया गया है। और दोस्तों आज ही शाओमी ने अपने दो नए डिवाइस के लिए MIUI 10 स्टेबल रोम की अपडेट को रिलीज किया, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो मैसेज है ये आज 8:59 में ये मैसेज को मैंने फॉरवर्ड किया था अपने दूसरे आईडी से। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मिमिक्स 2S MIUI 10 ग्लोबल स्टेबल वर्जन 10.0 इसकी रोम को रिलीज किया गया, आज ही रिलीज किया गया है अपने दो डिवाइस के लिए। शाओमी ने रिलीज किया है और जो दूसरा डिवाइस है वो है MI 8, वो Mi 8। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि Mi 8 के लिए भी आज ही शाओमी ने रिलीज कर दिया अपना अपडेट।
तो जो भी सारे डिवाइस थे मेरे फर्स्ट बैच के, मैं आपको फर्स्ट बैच की लिस्ट आपको दिखा दूं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैंने फर्स्ट बैच की लिस्ट बनाई थी, आप उसमें देख सकते हैं कि मी 8 को अपडेट आज मिल चुका है, मी 6 को पहले अपडेट मिल चुका था, मिमिक्स 2 को, अब मिमिक्स 2S को भी अपडेट मिल चुका है, रेडमी नोट 2 को सबसे पहले ही मिला था, रेडमी नोट 5 प्रो को मिल चुका है, मी 5 को मिल चुका है, मी नोट 2 को मिल चुका है, अब बाकी जो है रेडमी नोट 5 है, रेडमी 6 सीरीज के फोन है। तो दोस्तों बहुत ही जल्द ये जो हॉलीडे होने वाली है, आप उम्मीद लगा सकते हैं हॉलीडे से पहले Xiaomi अपने बाकी फर्स्ट बैच के डिवाइसेस के लिए MIUI की ग्लोबल स्टेबल रोम को रिलीज कर देगा। तो मैं एक बार फिर से आपको एक बार लिस्ट दिखा देता हूँ जिसके लिए अपडेट्स अवेलेबल है MIUI ग्लोबल की, तो मैं आपको नोटपैड में जाकर दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं Redmi Note 2, Mi 5, Note 5 Pro, Mi Note 2, Mi Mix 2 ग्लोबल, Mi Mix 2S, Mi 8। तो जैसा कि Xiaomi ने सभी उन डिवाइस के लिए अपडेट को रोल आउट कर दिया है, अगर आपको OTA नहीं मिला इस फाइल के थ्रू आप उसे फ्लैश कर सकते हैं, इस zip फाइल के थ्रू आप उसे फ्लैश कर सकते हैं। तो फ्लैश कैसे करते हैं इसके लिए इसकी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप ऊपर आई बटन में जाकर चेक कर सकते हैं या मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। क्या क्या अगर हम MIUI 10 के बीटा पे हैं या फिर MIUI 9 की स्टेबल पे हैं तो कैसे अपडेट करेंगे, तो प्लीज आप मेरी उस वीडियो को जाकर एक बार देख सकते हैं कैसे अपने डिवाइस को अपडेट करेंगे हम लोग अगर MIUI 10 के बीटा पे हों या फिर MIUI 9 की स्टेबल पे हों। तो दोस्तों मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ, ये मैं कह रहा हूँ, Xiaomi नहीं कहता है, लेकिन जो जो हिंट्स दिखा अभी मैं उसी के आधार पर आप लोगों को ये कह रहा हूँ, जो फर्स्ट बैच की डिवाइसेज है उनमें सिर्फ Redmi Note 5 बाकी है और Redmi 6 सीरीज की फ़ोन बाकी है, तो उन सभी डिवाइस के लिए भी बहुत जल्दी अपडेट मिल जाएगी। अगर 22 सितंबर से पहले आप लोगों को अपडेट मिल गई तो मिल गई, वरना दोस्तों आप लोगों को 22 सितंबर तक अगर आप लोगों को अपडेट मिल जाती है आप लोगों के डिवाइस में, हॉलीडे होने से पहले अगर आप लोगों के डिवाइस में अपडेट मिल जाती है तो ठीक है, वरना आप लोगों के डिवाइस में अक्टूबर सेकंड वीक से अपडेट मिलना शुरू हो जाएगा MIUI 10 की स्टेबल को। लेकिन दोस्तों जहां तक जो चांसेस आप यहां पर भी देख सकते हैं कि यहां पर सिर्फ अपडेट को शेड्यूल किया गया जो बीटा पे है, पब्लिक ओपन पब्लिक बीटा को शेड्यूल किया गया है, क्लोज बीटा को शेड्यूल किया गया है और पब्लिक बीटा को बताया गया कि कब नेक्स्ट अपडेट आएगा उसका। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को साफ साफ बता दिया, क्लियरली मेंशन कर दिया, क्लियरली आप लोगों को बता दिया कि सिर्फ ग्लोबल बीटा रोम को शेड्यूल किया गया है, ग्लोबल स्टेबल रोम को शेड्यूल नहीं किया गया। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, उम्मीद लगा सकते हैं कि बहुत जल्द हम लोगों के डिवाइस में अपडेट मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत जल्द अपडेट मिलेगी अगर आप लोग MIUI 10 की स्टेबल रोम का वेट कर रहे हैं जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें, दिल खोल के शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप अपना ये PR ऐसे ही बनाए रखिएगा और गिव अवे वाली वीडियो देख लीजिएगा, इसमें मैंने गिव अवे को अनाउंस किया है। तो दोस्तों अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और जी हाँ दोस्तों, मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है फुल रिव्यू MIUI 10 की ग्लोबल स्टेबल रोम की, तो आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि उस वीडियो को भी मैं अपने चैनल पर लाइव कर दूँ, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे ऐसे किसी अगले एपिसोड में, इंटरेस्टिंग एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।